अस्सलाम वालेकुम, यूर ऑन एयर। हेलो, वालेकुम अस्सलाम फरमाइए। वाले कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे जी। हैं? मैं मोहम्मद अहमद बात कर रहा हूँ, जी, गुजरात इंडिया से गुजरात इंडिया से, जी। मैं, माशाल्लाह। जी हाँ जी, हाँ जी, मैं मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहता हूँ, इस्लाम में आँख का फड़कना का मतलब क्या होता है? आँख फड़कती है तो कोई अच्छा सुगुन या बुरा सुगुन, ये इसका कोई मतलब ठीक ठीक कॉन्सेप्ट है इस्लाम में क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी, बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई कि आप इतनी दूर से गुजरात इंडिया से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। आपने कहा इस्लाम में इसकी कोई हैसियत? भाई, इस्लाम तो अजीब गरीब आलमगीर मजहब है, उसमें इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है। अगर इस्लाम की रोशनी में आप पूछें तो इस्लाम इन चीज़ों का कायल नहीं है कि सीधी आंख फड़के तो ये खैर की अलामत है, उल्टी फड़के तो ये है, और ये हो जाए कौवा बोले तो जनाब मेहमान आ गया फल। तो ये इस्लाम में इन मामूली ऐसी चीज़ों की कोई हैसियत नहीं होती अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें। लेकिन लोगों के मुशाहदात और तजर्बात के नतीजे में कुछ चीज़ें मुआशरे के अंदर जो है रिवाज पा जाती हैं, ये उसका एक नतीजा है। अब कौवा मुंडेर पर बोले तो कहते ये मेहमान आ जाएगा, तो एक मुशाहदा ये हुआ कि वो आ ही जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ें बन गई हैं लेकिन इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं। लिहाजा सीधी आंख पढ़ के तो कहते हैं कि ये माशाल्लाह को अच्छी खबर आने वाली है, उल्टी आंख पढ़ के तो लिहाज कोई परेशानी का खतरा है। क्योंकि सिक्स सेंस जो है अल्लाह ने रखी है इंसान वजूद में, वो भी अपनी जगह पर काम करती है। लेकिन वो सिक्स सेंस को इस्लाम के जाब्ते में ला के हम कोई दलील नहीं बना सकते। लेकिन वैसे आप अपने तौर पे उसके ज़रिए से मोहतात हो जाएं, वो एहतियात करने में कोई मजाक नहीं है। बहुत खूब हजरत, आपने ये आँख वाली बात, ये भी एक आई ओपनर है जो आपने एक्सप्लेनेशन दी, बहुत खूब। अल्हम्दुलिल्लाह,